वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसोदितं श्रीनंदनंदनं वंदेराधिकां चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिंदावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवि सत्त्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरञ्जयो नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैयं सदा परिभवन्नम अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छताय विस्फुरजित किमपि गवोदुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयी कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नराना गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजविशनाथं
वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति योगेन मनसि सम्प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णमयं च तदवाश्रयम् जया सन्महित जीवो आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो योऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यात् पुरुषं पूर्णं मयञ्च तदपाश्रयम् जया सन्महितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो योऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जगत गुरु जी ने बताए, अपना जो स्वतंत्रता है, अपना जो मनमानी बिहेवियर है, व्यवहार है, पहले ही इसको त्यागना पड़ेगा, स्वतंत्रता परित्याग करना पड़ेगा। निश्चित रूप में मेरा स्वतंत्रता, मेरा अपना मनमानी चलने का जो इच्छा है, इसको त्याग करना पड़ेगा। स्वतंत्र होने का मतलब अहंकारी बनना, दाम्भिक बनना, इसका मतलब है अनुगत्यहीन। स्वतंत्रता का मतलब है दाम्भिक भाव, स्वतंत्रता का मतलब है अनुगत्यहीन भाव। मौत नाम का जो चीज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब कोई को मालूम है मरना पड़ेगा, लेकिन मौत क्या चीज है इसका डायरेक्ट रियलाइजेशन किसी के अंदर में नहीं है। ना ही होने का कारण क्या है, माया, माया का जादूगरी ऐसा बना के, उल्लू बना के रख दिया, पता ही नहीं चलता जे मौत आ रहा है मेरा जिंदगी में। मौत बोल के एक चीज है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसी के अंदर में नहीं है। अगर होता तो जितना सारे उदमबाजी बदमाशी सारे बंद हो जाता, डाका चूरी बदमाशी जितना सारे कुछ है सारे बंद हो जाता। अगर सभी का पता, सभी को पता चलता कि मौत एक चीज है और मौत का जो डायरेक्ट रियलाइजेशन अनुभव ये अगर होता तो तमाम बदमाशी दुनिया में सारे बंद हो जाता, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि मायादेवी का चक्कर है। पोपा कह रहे हैं कि अपना मनमानी चलना, स्वतंत्रता का मतलब दाम्भिक भाव और अनुगत्यहीन भाव, क्योंकि हमारा ख्याल से अनुगत्य करने का कोई दरकारी है नहीं। मेरा भावना ऐसा है, मैं इतना दाम्भिक हूं, मेरा लगता ही नहीं कि किसी को अनुगत्य करना पड़ेगा। क्या होगा अनुगत्य करके, खाओ पियो जियो आनंद ले लो दो दिन का। भक्ति आश्रय कर किसका अनुगत्य करें, किसका अनुगत्य करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अनुगत्य अगर जहां तहां कर दे तो इसमें तो मंगल का कोई रास्ता ही नहीं खुलेगा।
अनुगत कर जहां तहां करे कर दे अनुगत दिखा दिया या तो अपेक्षिक अनुगत्य भाव दिखा दिया, वास्तव अंतर से कोई अनुगत्य नहीं है, तो मंगल का रास्ता खुलने का कोई चांस ही नहीं है। अनुगत करना है आत्मतत्वविद कोई महापुरुष का चरण में, हमारा मस्तक को बिक्री कर दे, हमारा ये मस्तक को जब हम एक तत्वविद महापुरुष का चरण में समर्पित कर दे, बिक्री कर दे, बस उसी समय मेरा मंगल का रास्ता खुल जाता है। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत, याद है ना भागवत का श्लोक, भागवत जी महापुराण में है, ये है तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत समित पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं ये अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान, जिसके अलावा जीवन जिंदगी बेकार है, कुत्ता बिल्ली का जिंदगी है, जो दिव्य ज्ञान अप्राकृत ज्ञान के अलावा हमारा जिंदगी कुत्ता बिल्ली से भी बढ़कर खराब है, ये दिव्य ज्ञान जिस गुरु वैष्णव के पास मिलता है उन्हीं के चरण में मेरा आत्मसमर्पण करना जरूरी है। दिव्य ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है और साधु बन के बैठा है, उसका चरण में आत्मसमर्पण करे कुछ नहीं है, वो तो जेब काटने वाला साधु है, पैसा लेगा प्रतिष्ठा ले इसके लिए बैठा हुआ है। प्रभुपाद अक्सर अंग्रेजी में एक बात कहते थे, इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइसेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल। प्रभुपाद जी बार बार कहे ये कथा, इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड, चरम मंगल का रास्ते में जाना चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो रबड़ी मिठाई खाओ और घर चले जाओ। अगर अप्राकृत जगत का दिव्य ज्ञान के प्राप्त करना है, चरम मंगल के रास्ते में चलना है, तो जगत का जितना सारे उपदेष्टा है, बहुत सारे उपदेश करने वाला, इकोनॉमिकल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एडवाइजर, बहुत सारे एडवाइजर है मेरे को सलाह देने के लिए आ रहा है, लेकिन किसी का बात सुनना नहीं। अगर चरम मंगल के रास्ते में जाना है तो मेरे को सुनना है वही साधु का, जिसका जीवन जिंदगी भगवान के चरण में निछावर कर दिया, जिनका जीना मरना हर सांस पे हर पल पल में जो भगवान का आरती उतारते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, ऐसा मापिक कोई संत महात्मा है परमंश, इन्हीं के चरण में अगर आत्मसमर्पण करे तो मेरा चरम मंगल का रास्ता 100% खुल जाए, इसमें कोई शक नहीं है। हजारों किस्म का बुद्धि देने वाले, हजारों किस्म का बुद्धि देने वाले आदमी जगत में भरपूर है, लेकिन मेरे को ठाकुर जी का चरण का ठिकाना देने वाले कोई नहीं है। अगर फिर भी दे दे तो दिखावा है, लूटने के लिए आ रहे। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत समित पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम। समित पानी सौत्यम मतलब ये ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अपना हाथ पे सेक्रीफाइस करने के लिए जीवन जिंदगी सब कुछ, अपना स्वतंत्रता को संपूर्ण रूप से तिलांजलि देने के लिए वो परमहंसो गुरु वैष्णव के चरण में, तत्वविद पुरुषों के चरण में पहुंचना है। स्वमित पानी सौत्यम, स्वमित मतलब है यज्ञ काठ,
यज्ञ का समय पे जो टुकड़ा टुकड़ा काष्ठ खंडो वुडन पीस देना पड़ता है ना, तो ये इसका फिलोसॉफी है, इसका दर्शन है। समीत पानी सौतियम मतलब समीत पानी, समीत पानी मतलब हाथ में खाली हाथ मत जाओ, गुरु का चरण में खाली हाथ मत जाओ। तो क्या लेके जाए, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए वो बाहरी देश में समीत पानी सौतियम यज्ञ काष्ठ लेके जाओ कि अपना मनमानी भाव को जिंदगी भर के लिए आग में जला दो, यज्ञ में जला दो और गुरु जी का अनुगत में रहो, देखो भगवत प्राप्ति होता कि नहीं। और समीत पानी ये तो एक शब्द है, और सौतियम ये दूसरा विचार है। स्रोतियम मतलब जो बाजार से कोई किताब खरीद लिया, मुखस्त कर लिया और प्रवचन देना शुरू कर दिया, बाजार में यही है, फलाहारी बाबा, जटाहारी जटाधारी बाबा, एक एक आहार बाबा, दूध पीता बाबा, नंगा बाबा, धुनी बाबा, चिमटाधारी बाबा, ऐसा ही है। लेकिन कोई समझता नहीं भक्ति इज अ वाइटल थिंग, किसी को पता नहीं कि भक्ति सबसे बड़ा चीज है। चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे वो तैगी बेस में रहे, सबसे बड़ा चीज है भक्ति। अगर किसी माताजी गृहस्थी में है और भक्ति बहुत भरपूर भक्ति, तो मेरे से कीमत इसका इनकी ज्यादा है। बड़ा होता है भक्ति में, दिखाने में नहीं, बड़ा जटा रख लिया मैंने बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। भक्ति में कौन कितना भगवान के लिए सेवा करना चाहता है और वो सेवा के पीछे भी कोई स्वार्थ है कि नहीं, अगर स्वार्थ है तो ये भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। स्वार्थ है कि नहीं ये देखना पड़े। ये सौतियम ये शब्दों का व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जगत का आम आदमी जो है और वृंदावन दर्शन का नाम भी मालाई चॉकलेट खा के घर चले जाते, बस हो गया वृंदावन दर्शन। ये आंखों से टट्टी पेशाब और लड़की लड़का दर्शन होता है, ये आंखों से किसी दर्शन नहीं होता। ये आंखों से जो आंखों सामने है मेरा, जिस आंखों से मैं देखता हूं राधा रानी का सुंदर मंदिर, ये दर्शन मेरा दर्शन नहीं है, असली दर्शन है असली दर्शन क्या है, जिसमें जड़ जगत का दर्शन समाप्त हो जाए और अप्राकृत राधा रानी के चरण का दर्शन हो जाए, चरण मंदिर। और जिस आंखों से टट्टी पेशाब लड़का लड़की ये सब गंदा चीज देखा जाए, ये आंखें वास्तव आंखें नहीं है, ये फोड़ देना चाहिए आंखों को। ये आंखों से हमारा जितना सारा गंदगी दर्शन होता है और कुछ नहीं। भजन करने से दर्शन का परिवर्तन होते हैं, इसी का नाम भजन है। भजन मतलब नाटकबाजी नहीं है, भजन का मतलब है भजन करने से हमारा दर्शन का परिवर्तन, वृंदावन धाम अप्राकृत दर्शन हो जाए, सारे अप्राकृत दर्शन खुल जाए। इसीलिए तो सौतियम ब्रह्मनिष्ठम ये दो शब्द है इधर, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताए। एक सौतियम मतलब है गुरु परंपरा के अनुसार, ऑथेंटिक गुरु परंपरा का अनुसार जो अप्राकृत ज्ञान का धाराएं, अप्राकृत ज्ञान का जो धारा अप्राकृत जगत से संप्रदाय का विशुद्ध धारा के अनुसार मेरा पास जो दिव्य ज्ञान पहुंच रहा है गुरु का माध्यम, इसका नाम है सौतियम। सौतियम मतलब ये सौत पंथा, आपको याद है शायद बचपन में पढ़ा होगा, वेद का नाम है श्रुति,
वेद का दूसरा नाम है श्रुति। क्यों? क्योंकि उन जमाने में गुरुजी वेदपाठ, ऋषि मुनि गुरुजी वेदपाठ कराते थे और शिष्य ब्रह्मचर्य का इतना पावर है, सुनने का साथ साथ ही उसको याद हो जाता, इतना कृपा था। और उस जमाने के लिखने का उतना व्यवस्था नहीं था। गुरु मुखारविंद से, श्री गुरु जी का मुखारविंद से सुनने के बाद याद रखना और उसको ही अपरिवर्तित हुए इंटैक्ट, इसमें कोई मिलावटी आ जाए होगा नहीं। श्री गुरु मुखारविंद से सुनने के बाद उसको याद रखना और आगे चल के दूसरे को ये ज्ञान को देना, इसका नाम है सौतियम। सौति माने सौत पंथा। मुखस्त कर लिया हमने, बिग फिलोसोफर बन गया, भागवत प्रवचन कर दिया, ये टट्टी पे सबका बराबर कुछ नहीं है। शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण है, पद्म पुराण में, इधर उधर। अगर ऐसा प्रवचन सुने तो हो गया, जिंदगी खत्म, जिंदगी का मंगल का रास्ता ही नहीं। हजारों प्रमाण है शास्त्रों में। स्वामी तो पाणी सौतियम मतलब सौत पंथा में जो अवस्थित होनी चाहिए। सौत पंथा अर्थात जो गुरु परंपरा का धारा के अनुसार जो दिव्य ज्ञान मेरा पास पहुंच रहा है, सेवा का द्वारा गुरु का प्रसन्नता विधान करके उस ज्ञान को प्राप्ति करना, सौतियम। और किस गुरु कैसा है? सौतियम जो सौत वाणी में निष्ठावान है और ब्रह्म निष्ठा। सौत पाणी समित पाणी सौतियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम बोलते हैं, मायावादी बोलता है निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन हर हालत में भगवान का आकार है, भगवान का लीला माधुरी है, लेकिन ये लोग मानते नहीं, क्या करें, अपराधी है। समित पाणी सौतियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम माने भगवान का सेवा में निष्ठा है। अब भगवान को अगर पर्सनिफाइड फॉर्म में देखा नहीं जाए तो सेवा किसका करेगा? भगवान को अगर निराकार मानो तो सेवा क्या करोगे? पानी फल जल सब फेंको रास्ता में, किसको दोगे? निराकार समझ के बैठे हो? भगवान का स्वरूप है, नित्य स्वरूप सच्चिदान ब्रह्म संहिता में है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण करो, ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुभव करके बताया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिद आनंदमय विग्रह। और ये अनादि आदि, ये नहीं कि भगवान मर गया, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान अनादि काल से है। और ऐसा ही गुरु का चरण में आत्मसमर्पण के लिए बताया गया। तो ऐसा मापी गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करने से गुरु सेवा के द्वारा ये भजन क्या चीज है समझ में आएगा, भजन बनेगा। भक्ति आश्रय करके बाहरी दृष्टि में दिखावा, मैंने गुरु चरण आश्रय किया, लेकिन अंदर में अहंकार भरपूर है, दाम्भिक भाव, भगवान का पूजा करने के बाद भक्तों का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, तो किसी भी हालत से भक्ति नहीं मिलेगी, किसी भी हालत से भक्ति नहीं मिलेगी। और भगवत सेवा जो दिखावा आज है वो भी छूट जाएगी, वो रहेगी नहीं। ये जो स्वाधीनता है, काल भी चर्चा हो पाएगा इस विषय में, ये जगत में मालिक बनने का जो प्रचेष्टा है, इसी का नाम है दाम्भिकता, इसी का नाम है अनुगत्यहीनता। ये जगत में प्रभु बनने का इच्छा हर कोई का अंदर में, मैं मालिक बनूं, मैं प्रभु बनूं, हर कोई का अंदर में मैं मालिक बनूं, मैं प्रभु बनूं, ये मालिक बनने का इच्छा, प्रभु बनने का जो इच्छा, ये इसी का नाम है स्वतंत्रता, इसी का नाम है अभक्ति। अगर कोई पूछे अभक्ति क्या है,
अभक्ति क्या चीज है? अभक्ति का मतलब है इस दुनिया में मालिक बनने का इच्छा, ये जगत में प्रभु बनने का चाहिए, गुरु बनने का इच्छा, इसका नाम है अभक्ति। और भक्ति का नाम है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कीड़े मकोड़े हूं, ये अनंत ब्रह्मांड में मेरा क्या परिचय है? कृपा करके गुरु वैष्णव ठाकुर जी अगर मेरा सेवा को स्वीकार करे तो अहो भाग्य, इसका नाम है अनुगत्य, इसका नाम है अनुगत्य। जो भी है, हर आदमी भोगी बनना चाहता है, हर आदमी का अंदर में एंजॉयिंग मूड है, मैं एंजॉय कर लूं, यहां तक कि राधा रानी का चरण दर्शक है ये भी एंजॉय कर लूं। राधा रानी कितना कैसा कापर है, क्या क्या है, साज है, अच्छा बूढ़ा, ये दिखने का विचार मैं अंदर में बना लिया, इसका नाम है अभक्ति। मैं जॉब राधा रानी का चरण दर्शन करने का प्रचेष्टा में लगा हुआ हूं, इसका नाम है अभक्ति। अगर विनम्र भाव से राधा रानी के चरण में पहुंचे चोरों का मापिक खड़ा हो गया, दयामयी आप मेरे को तेरा कृपा कटाक्ष कर दो, इसका नाम है भक्ति। अगर ठाकुर जी मेरा दर्शन का विषय बन जाए, ठाकुर जी मेरा दर्शन का विषय बन जाए, ठाकुर जी का जो आचरण है मेरा समझ में आ जाए, ये तो ये मापने वाला बुद्धि, ठाकुर जी मेरा दर्शन का विचार बन जाए तो मैं ठाकुर जी मेरा भोग का सामान बन गया। अप्राकृत वस्तु, अप्राकृत वस्तु कभू प्राकृत गोचर न है, अप्राकृत वस्तु कभी प्राकृत भूमिका में रहकर दर्शन करना संभव नहीं, अप्राकृत वस्तु कभू प्राकृत गोचर न है, अप्राकृत वस्तु वृंदावन धाम राधा रानी के चरण भगवान गोविंद के चरण, ये हमारा ये जड़ आंखों से दर्शन करने वाला वस्तु नहीं है। जब हम दर्शन करने का कोशिश करें जोर जबरदस्ती, इसका नाम है अभक्ति। ठाकुर जी को हम दर्शन कर लिया मतलब ठाकुर जी मेरा एंजॉयमेंट का, ठाकुर जी मेरा एंजॉयमेंट का एक वस्तु बन गया। आई बात समझ में? अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना ज्ञान है, जिस भगवान का चरण से आए हुए हैं, उस भगवान को किस ज्ञान के द्वारा जाना जाए, समझने का कोशिश कीजिए। अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड में जहां जितना ज्ञान है, चाहे दिव्य ज्ञान हो या जड़ ज्ञान है, मेटेरियल नॉलेज है और अप्राकृत ज्ञान है, किससे आया है? भगवान श्री कृष्ण के चरण से। और वो भगवान श्री कृष्ण जिससे अनंत ब्रह्मांडों के ज्ञान आए हुए हैं, उसको किस ज्ञान के द्वारा जाना जाए? मैं मैया का कुख में हूं, मैया कैसा है देख लेंगे। एक बच्चा मैया का कुख में ऑलरेडी है, और ये रहते समय अगर बच्चा सोचे कि मैया को देख ले, मेरा मैया धोला है कि काला है, क्या लंबा है कि मोटी है, ये बेकार की बातें हैं। इसीलिए शुरुआत में बताया व्यासदेव जी महाराज भगवान का कृपा के द्वारा, गुरु जी नारद जी के कृपा के द्वारा दर्शन किए हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमल, जब अपना अंतरात्मा एकदम समा गया ध्यान में, भक्ति योग का जो प्रभाव है, इसमें एकदम ऐसा डुबकी लगाए, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमल, प्रणीत माने फुल कंसंट्रेशन, पूर्ण विचार, पूर्ण मन का कोई वृत्ति इधर उधर नहीं है, फिर भगवान के चरण में समाई। भक्ति योग एकदम पूरा भरपूर हृदय में, भक्ति योगेन मनसि, जब मन समा गया भगवान के चरण में, इसी समय व्यासदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम, ये परम पुरुष परात्पर अखिलेश्वर भगवान का दर्शन भये,
अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण जो पुरुष है परम पुरुष, इनके दर्शन हुए। आज का साथ साथ भगवान का पीछे गर्हित रूप में सर झुकाती हुई माया नजर में आई, सर झुकाती हुई, सर को झुका ली ऐसे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम्। माया को भी दर्शन के पीछे सर झुका के, और ये माया जो है देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष गणशक्ति समूह मूर्ता, ये जो चंडी में जो श्लोक है और इसके द्वारा लिखा हुआ है हमारा ये भगवत जी महाप्राण में, जया सन्म ही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम। ये माया के द्वारा, ये बहिरंग माया, ये जोग माया नहीं है। जोगमाया का बारे में भागवत जी महापुराण में है, कात्यायनी महामायी महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पोतिम मे कुरुते नमः। ये जोगमाया, नवरात्रि चल रहा है ना, इसे ये जोगमाया, महामाया का आराधना हम लोग क्यों करें? जब राधा रानी में चरण दर्शन करने के लिए आए तो मतलब जोगमाया का आराधना, जोगमाया को बुलाना चाहिए। महामाया क्या करे, माया तो दर्शन माया में उलझे हुए जीव महामाया को बुलाता है, पुकारता है। लेकिन जया सन्म ही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम, ये माया जो है, माया के द्वारा जीव का जो वास्तव स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप, हर जीवात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है, आवृत कवर्ड अप, आवृत होके और विक्षिप्त होके रहने से सत, ये दुनिया का, ये जगत का सत रजतम गुण, ये सत रजतम गुण का अतीत भूमिका में चिन्मय जीवात्मा होते हुए भी हर जीवात्मा चिन्मय है, लेकिन चिन्मय होते हुए भी सत रजतम गुण का बाहर होते हुए भी अपने को त्रिगुण का प्रभाव का अंदर महसूस करता है। जब भी त्रिगुण का बाहर है फिर भी महामाया का, माया का प्रभाव के द्वारा ये त्रिगुण का जो प्रभाव, ये जीवात्मा अनुभव करता है। शिष्य स्थिति और लय प्रकृति का धर्म है, शिष्य स्थिति लय, और अप्राकृत जगत में कोई ऐसा कोई ध्वंस नहीं है, ये प्राकृत जगत में है। अपने को प्राकृत बोल के भूमिका, प्राकृत बोल के अभिमान करते हैं जीवात्मा, जब भी चिन्मय है जीवात्मा, से भी प्राकृत भूमिका में महामाया का, माया के द्वारा आवृत होकर अपने को एक जड़ जगत का सामान्य वस्तु समझते हैं। परो उपि मनुते, जब भी परे हैं, त्रिगुण का अतीत वस्तु है, फिर भी समझते हैं ये सुख दुख दुनियादारी का जितना वस्तु है इसका साथ, तमाम चीजों का साथ अपने को संबंधित बना देते हैं और मरते रहते हैं, क्या करें। जया सन्मोहितो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो योपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभि पद्धते, ये भूल जाते हैं जीवात्मा, भूल जाते हैं अपना स्वरूप ऐसे ही। और इतना अभिमान है कि जब तक एक पनिशमेंट शास्ति ना मिले, जब तक शास्ति ना मिले जिंदगी में, बच्चा मर गया, पैसा खत्म हो गया, ये बिजनेस में लॉस हो गया, ये तमाम होने के बाद तब भगवान के याद आता है, उसका पहले नहीं।
उसका पहले आता नहीं, मोज का जिंदगी गुजर रहा है। इतना अभिमान है, इतना अभिमान है कि बलदाव जी महाराज कह रहे हैं कि पशु नम लगुरो जथा, इसका अभिमान, ये जीवात्मा जितना सारे है अभिमान में भरपूर है अभिमान, ये किसी भी हालत से ये अभिमान छूटने वाला नहीं। जब तक विशुद्ध गुरु वैष्णव तत्वज्ञानी महापुरुष के चरण में, जब तक तत्वज्ञानी महापुरुष के चरण में अपना मस्तक को बिक्री ना कर दे, तब तक इसका अभिमान, इतना अभिमान है। बलदाव जी महाराज कहते हैं जे जैसे एक पशु डंडा का भाषा समझता है, बहुत समझाओ वो समझने वाला नहीं, लेकिन एक डंडा लगाओ बात ठीक हो गया, आप समझ में आया, आई बात समझ में, ऐसा ही है। तो बलदाव जी महाराज कहते थे पशु नाम लगुरो जथा, कब बोला महाराज ये तो सुना नहीं, क्या सुना है, सुना क्या है आज तक, इतना उम्र हो गया क्या सुना। भागवत जी महापुराण में आता है दसम स्कंद में 68 चैप्टर 31 श्लोक, वहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बलदाव जी महाराज का हृदय का भाषा, नूनम नना मतोन्याध्या शांतिम नेच्छन्ति सा असाधवः तेषां हि प्रशमो दंडः पशूनं लघुरो यथा। नूनम निश्चितमेव क्या है भजे, नूनम नाना मदोन्याध्या, अपना अभिमान के द्वारा इतना गर्वित है, अपना अभिमान के द्वारा इतना भरपूर अभिमान है, नूनम नाना मदोन्याध्या, मद अभिमान के द्वारा नशा, दौलत का नशा चढ़ गया, अभिमान का नशा, नूनम नाना मदोन्याध्या शांतिम नेच्छन्ति असाधवा, जो असाधु है, गर्वित है, अभिमानी है, वो शांति नहीं चाहते ना। ए लोगों के लिए तेसाम ही प्रशमो दंड पशु नाम लगुरु जथा, ए लोगों के लिए एक ही व्यवस्था है, वो क्या है मेरे, पशु नाम लगुरु जथा, जैसे पशुओं को एक डंडा मारो तो समझ में आता, पशुओं को एक डंडा लगा दो और डंडा का भाषा समझ में आता है। पापा जी इस बात को विचार करके बताए, बड़ा एक कहानी बताए पोपा जी कह रहे हैं श्री कृष्णो का 16108 पटरानी, इनमें से जाम्बवती है मूल जो प्रधान पात्राणियों का अंदर में इनकी गिनती होती है। कृष्णो का पत्नी जाम्बवती, जाम्बवती का लड़का है शाम्बो, ये शाम्बो ने क्या की, तब की जमाने में राज राजाओं का ऐसा व्यवस्था था, कोई स्वयंवर सभा हो गया तो किसी राजकुमार या राजा वो अपना बाहुबल से कन्या को लेके आए तो उसमें कोई खराब नहीं है, ये वीरता का चिन्ह है, तब की जमाने में ऐसा ही नियम था। कृष्ण का पत्नी जाम्बवती मतलब कृष्णो का लड़का शाम्बो, कृष्णो का पत्नी जाम्बवती, जाम्बवती का लड़का है शाम्बो, मतलब कृष्णो का है ना, कृष्णो का लड़का शाम्बो, ये शाम्बो दुर्योधन का जो कन्या है, दुर्योधन का कन्या लक्षणा, ये जो स्वयंवर सभा है, ये सभा का अंदर से लक्षणा को उठा के एकदम लेके गए, और कौरव क्या की, कौरव का अंदर में अभिमान है हर वक्त, इसलिए
चार चार आदमी मिलकर सांबो का साथ एक साथ लड़ाई की, अन्याय रूप से उसको बंधन करके हस्तिनापुर में लाया गया। आज जादवगण ये खबर सुनकर बड़ा गुस्सा है, तो सांबो को उद्धार करने के लिए भेजा गया। किसको? उद्धव जी को भेजा, आदि सब भेजा, जैसे समाधान हो जाए। बहुत समझाया, पहले दाऊ जी महाराज बोले कि हम जाए समाधान करने के लिए, बलदाव जी महाराज आए और बलदाव जी महाराज आए समाधान करने के लिए, और कौरव जो है कौरव को उग्रसेन अर्थात जादव गण के जो राजा हैं उग्रसेन का जो आदेश है ये पेश किया गया आदेश, जो ये लड़का को छोड़ दो, अन्याय रूप से इसको बांधा गया, ये उचित नहीं है। ये स्वयंवर सभा से शाम्बो लक्षणा के उठा के लाए, इसमें क्या खराबी है? कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये लोग शत्रुता करके लड़ाई की और शाम्बो को बंधन कर दी, अरेस्ट कर लिए। और ये सुनकर बलदाजी महाराज आए, बलदाजी महाराज के सामने दुर्योधन आदि सारे आए, बलदाजी महाराज बताए ये देखो ये उग्रसेन राजा का आदेश मान लो, अगर अच्छा भला चाहते हो कि उसको छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन ने समाधान का रास्ते में नहीं गया, दुर्योधन ने गाली गलाज कर दी, कहाँ का आए भिखारी है, हम लोग अगर नहीं देते राजपाट तो कहां से मिलता, ये कृष्ण क्या है, ऐसा करके गाली दी। जब इतना गाली दी तो बलदाव जी महाराज को रहा नहीं गया, बलदाव जी महाराज क्या की, बलदाव जी महाराज ने हस्तिनापुर को, तमाम हस्तिनापुर को उठा के एकदम फेंकने का कोशिश किया गंगा में, पूरा हस्तिनापुर को अपना हल को चलना करके पूरा हस्तिनापुर को गंगा में फेंकने का। तब दुर्योधन सब आए, आगे क्षमा कर दो, जो हुआ सो हुआ, क्षमा कर दो। बलदाव जी महाराज ने अपना मन ही मन बोलना शुरू कर दिया, नूनम नना मदोन्नध्या शांतिम नेच्छन्ति असाधवः तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लघुरो यथा। अगर धनमद विद्या मत सारे मत इतना अहंकार है, ये सुनना ही नहीं चाहता, शांति नहीं चाहती, ये शांति नहीं चाहता है, तो इसका लिए पशु जैसा डंडा का भाषा समझता है। तो बलदाव जी महाराज बोले पशु नाम लघुरो यथा। प्रभुपाद जी इस कहानी बोल के एक शिक्षा देने का कोशिश की, जो हरिगुरु वैष्णव निंदाकारी विद्वेषी, जो गुरु वैष्णव भगवान के साथ विद्वेष करने वाले, ये लोग किसी भी हालत से कोई उपदेश सुनने वाला नहीं है। पोपा जी कह रहे हैं जो गुरु वैष्णव भगवान को अपमान करते हैं, इतना दाम्भिक है, किसी का सुनता नहीं। पोपा कह रहे हैं हरिगुरु वैष्णव निंदाकारी विद्वेषी व्यक्तिगण को अगर कोई मीठा 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 उपदेश देने जाओ, ये सुनने वाला नहीं है, ये डांडा का भाषा समझता है। वो बात कह रहे हैं श्रद्धाहीन व्यक्ति करने, श्रद्धाहीन जिसका कोई श्रद्धा नहीं है, काफी अपराध कर चुका है, इसका कानों में भक्ति राज्यों का कोई बातें उपदेश ठहरेगा नहीं। जैसे एक पशु को डंडा से समझाया जाए ऐसा है। प्रभुपाद इसके द्वारा एक शिक्षा दे दी कि गुरु वैष्णव भगवान का निंदा में जो व्यक्ति चुपचाप रहता है ये मायावादी है, जो गुरु वैष्णव भगवान का अपमान में चुपचाप
चुपचाप रहता है, प्रतिवाद नहीं करते, क्या कहते हो ऐसा प्रतिवाद नहीं करते, वो मायावादी है। वो सोचते हैं कि प्रतिवाद करने से मैं साधु नहीं हूं, प्रतिवाद करना जरूरी है। इधर गुरु वैष्णव का आक्रमण, गुरु वैष्णव का अपमान, निंदा, इसमें अपना धैर्य, अपना धैर्य खराब हो जाता है, धैर्य नहीं रहता, इसका नाम है साधु है। सर्व साधु गुरु वैष्णव का अपमान में अगर चुपचाप रहे तो ये साधु नहीं। जैसे देवी जी शिक्षा दी, दक्ष यज्ञों का समय, जब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर भगवान सबसे बड़ा वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम तु इदम भागवतम। ये वैष्णवानाम यथा शंभु, ये वैष्णवानाम यथा शंभु को दक्ष प्रजापति गाली गलाज की, अपमान की, देवी जी को रहा नहीं गए, उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दी और छोड़ने का पहले उपदेश दी जे गुरु वैष्णव का अपमान को देखकर जो चुपचाप रहे उसका सारे सत्यानाश हो जाए। गुरु वैष्णव का अपमान में धैर्य च्युत होना, तसल्ली रखो, नहीं तसल्ली नहीं रखना है। इधर गुरु वैष्णव का अपमान जब हो जवाब देना है, इसका नाम है भक्ति। निर्विशेषवादी गुरु वैष्णव का अपमान में चुपचाप रहता है, क्योंकि वो गुरु वैष्णव का नित्य स्वरूप को मानते नहीं, गुरु वैष्णव भगवान का जो नित्य स्वरूप है मानते नहीं। तो ये जो है गीता का जो अध्याय चल रहा है, सोलहवा अध्याय चल रहा है, या पिछले सप्ताह चर्चा की आत्तो संभाविता स्थाप्या धनो मान मदान्विता जजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम्। क्या बताया, स्वयं गर्वित है। पहला बात तो ये, अभिमानी अहंकारी व्यक्ति का कोई पूजन भगवान का चरण में पहुंचता नहीं। आत्तो संभाविता स्तब्धा धनुमान मदान्विता जजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। क्या मतलब, स्वयं गर्वित, अनम्र विनम्र भाव नहीं है इसका, धन दौलत का अभिमान में स्फित है, मदान्वित। ये असुरगण, ये सब असुर जो लोग हैं, ये दम्भ के मारे अहंकार के मारे दिखावा योग्य करते हैं, ये दिखावा योग्य करते हैं, दम्भ के मारे भरपूर होकर ये योग्य दिखावा योग्य करते हैं। अविधि पूर्वकम्, अविधि मतलब ये वेद पुराण में शास्त्रीय वचन में ऐसा जो योग्य करने का विधान नहीं दिया गया, अविधि पूर्वक योग्य, ये इसका योग्य मतलब है, इसका यज्ञ मतलब है दम्भ पुकस करना। जैसे पहले बोली महाराज का यज्ञ शुरू हुआ, बोली महाराज ने बाद में तो पता चला हैं, बोली महाराज और बोली महाराज जब भी द्वादश महाजन का एक जन है प्रहलाद महाराज का अनुगत किए तो समझ में आए। पहले देखो, फिर भी पहले जब बामन जी महाराज आए तो बोले क्या चाहिए बताओ, मेरा पास आके दोबारा किसी का घर में जाने का दरकार नहीं है, मैं इतना बड़ा दानी हूँ। ये भी अभिमान का बात है। जब भी आए ठाकुर जी, ये तो प्रहलाद महाराज का अनुगत तो किए, अंतिम में ठाकुर जी इसको भरपूर कृपा कर दिए, बोले जो इतना आगे गया तो थोड़ा सा कमी रह जाएगा, ये तो ठीक नहीं है ने? भगवान ने इसका अभिमान जितना भी बचा खुचा था उसको खत्म कर दिया। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है ये दाम्भिकत है, ये वास्तव यज्ञ नहीं है। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है ये दाम्भिक है, ये दाम्भिक
इसका योग्य तो योग्य नहीं है, ये दिखावा है। अतो संभावितः स्तब्धा धनुमान मदान्यतः जजन्ते नाम योग्यस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। ये अविधिपूर्वकम कोई विधि नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने व्याख्या की अतो संभावितः, ये आत्मो संभावितः, ये आत्मो संभावितः, इसका अर्थ किया विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्थ किया आत्मो संभावितः मतलब अपने को पूज्य ठहरना, मैं मेरा पूजा होनी चाहिए, अपने को पूज्य समझना, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। दूसरे से अपना पूजा करवाना, ये आत्मो संभावितः। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले अपने को पूज्य या अपने को पूज्य ठहरना। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती बताए ऐसा मापिक व्यक्ति का पीछे सारे दुनिया दौड़ सकता है, लेकिन वास्तव साधु इसका और नजर डालने से तुरंत समझ जाते ये दाम्भिक है, ये साधु नहीं है। कोई साधु व्यक्ति इसका सम्मान नहीं करते। जैसे ही हिरण्यकशिपु का सम्मान सारी दुनिया करता है, और नहीं भी करता है तो करने के लिए मजबूर है। लेकिन प्रहलाद महाराज बाहरी दृष्टि में सम्मान दिखाया, अंतर्दृष्टि में इसका आदर नहीं किए। हिरण्यकशिपु अपने को पूज्य मानता है, सारे दुनिया हमारा पूजा करे, वो किसी का पूजा नहीं करेगा। आत्मम भाविता, आत्मो संभाविता, अपने को पूज्य ठहरना। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं पक्का साधु जो है ये कभी इसका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ये दाम्भिक है। और स्तब्धा, स्तब्ध का मतलब अनम्र, स्तब्धा मतलब अनम्र, अनम्र विनम्र भाव, विनम्र तो दूर की बात है, नम्र भाव नहीं है। विनम्र मतलब विशेष नम्र, अनम्र मतलब ना बिल्कुल नम्र भाव नहीं है। अनम्र अर्थात अविनीत, विनीत नहीं है। अनाम योग्यई मतलब नाम योग्यई, नाम योग्यई मतलब ये नाम कहने का योग्य है। नाम योग्यई मतलब ना, नाम योग्य मतलब ये जो हमारा नाम योग्य कहते हैं ये नहीं, हम जो नाम योग्य कहते हैं ये नहीं, ये माने ऐसा नहीं, ये माने हैं नाम योग्यई अर्थात दिखावा योग्य है, ये कहने का योग्य है, नाम के द्वारा ये योग्य है, वास्तव योग्य नहीं। नाम योग्यई नाम योग्य मतलब नाम के द्वारा जो योग्य है ये नाम योग्य। अन्ना यहाँ जो नाम योग्यई इसका इधर का जो गीता का श्लोक इसका माने हैं ये कहने का योग्य है, वास्तव योग्य नहीं है। तो 18 नंबर आगे का श्लोक में ठाकुर जी बताए अर्जुन को, अभी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधंचो संस्कृतः ममात्मो परो देहेशु प्रदिशन्तो अब्बसूय कहा। क्या अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधंचो संस्कृतः, संस्कृत में सम्यक आश्रित, किसका आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, अपना बल भरोसा पर आश्रय लिया, दर्पो दाम्भिकता का है ना, अहंकार अहंकार, बलम मतलब अपना बल पर भरोसा किया, दर्पम दर्पो, कामम मतलब काम, क्रोधम काम मतलब कामना, अक्रोधम क्रोध, ये संस्कार आश्रय पूर्वक क्या किया, ममात्मो परोदेहिषु, फलो क्या बता रहे,
ममात्मो आत्मो ममात्मो परदेहिषु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। मतलब ये असुर भाव वाले, ये जो असुर भाव वाले हैं, ये लोगों का अहंकार बल दर्प काम क्रोध ये सब तमाम चीजों का अदैव वस्तु अदैव भाव, दैव भाव तो अब दैव भाव का बारे में चर्चा पहले पहले बहुत सारे चर्चा हो गया, अभी अदैव भाव असुरिक भाव इसका चर्चा हो रहा है। ये लोग अहंकार बल दर्प काम क्रोध सबका ये सब अदैव वस्तु का भाव का आश्रय लेकर क्या करता है, परमात्म परायण साधुगणेर देहे, ये साधु का हृदय में जो मैं बैठा हुआ हूं, परमात्म परायण साधुगण, ये लोग का शरीर में मैं अवस्थित हूं, मेरे को भी विद्वेष करता है और साधुगणों का ऊपर खमाखा उल्टा आरोप लगाता है, साधुगणों को ऊपर उल्टा आरोप लगाता आरोप दोष आरोप करता है, साधुगणों का अंदर में मैं बैठा हुआ मेरे को तो अत्याचार करता ही है, विद्वेष तो करता ही है, मेरे को तो विद्वेष कर ही रहा है, और उल्टा ऊपर से साधुगणों को ऊपर आरोप दोषारोप करता है। श्रीला विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं परमात्मा का रूप में हर हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, ध्यान दे विषय पर, परमात्मा का रूप में भगवान हर घट घट में बैठा हुआ, यहां तक कि जो अपने को असुर समझ रहा है हिरण्यकशिपु उसका अंदर में भी है, सर कोई का अंदर में भगवान है, लेकिन ये समझ नहीं पाते, यही बात है। विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं परमात्मा रूप में मैं हर हृदय में बैठा हुआ हूं, हृदय में परमात्मा, लेकिन असुर भाव वाले जो है मेरे को अस्वीकार करता है, मानता नहीं, परमात्मा रूप में ये मैं हूं हृदय में मेरे को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, माना नहीं, इनकार कर दिया और देश करते रहते हैं, और परमात्मा रूप में जो मैं हूं इनको इनकार कर दिया, माना नहीं, अपमान किया, अथवा ये भी माने हो सकता आत्मो परा परमात्मा परायण साधुगण का हृदय में जो मैं बैठा हुआ हूं, इन लोगों को अपमान करने से, विद्वेष करने से, दोषारोप करने से, ये लोगों को क्लेश देने से, विद्वेष करने से मेरा साथी विद्वेष हो जाता, क्योंकि साधुगणों का विद्वेष करो भगवान कहते हैं कि मेरा विद्वेष हो जाता। अगर बिना सोचे समझे कोई विद्वेष कर दे साधु का साथ, अगर कोई सोचे बिना सोचे समझे किसी साधु को अपमान कर दिया, अत्याचार कर दिया, तो भगवान कहते हैं कि मेरा ही अपमान है, मेरा ही मेरा साथ विद्वेष हुआ। और अभ्यसूय का मतलब साधुगणों का जितना सारे गुणावली है, ये गुणावली को गुणावली का ऊपर दोषारोप करता, ये गुण को गुण नहीं समझना, दोष आरोप करना, आई बात समझ में, उल्टा दोष आरोप करने के लिए दौड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम चो संस्थिता ममात्मो परो देहेशु प्रदिश्वंतो अभ्यसूय का, इसका जेलसी है, अभ्यसूय का माने हिंसा ईर्षा करके अशुआ करके इसका गुणों का ऊपर दोष आरोप करना अभ्यसूय का, ये लोग ऐसा ही है। फिर आगे का श्लोक में भगवान कह रहे हैं तान अहम दिशतः कुरानो संसारेशु नराधमानो खिपामी अजस्रम अशुभानो असुरीशु
एव जनीषु, क्या है माने, तान अहम दिशतः कुरानो संसारेषु नरोधमानो क्षिपामि अजस्रम अशुभानो आसुरीषु एव जनिषु। क्या बताया, तानो अर्थात ऐसा माफिक असुरों को, ऐसा माफिक जो असुर लोग हैं, ये असुरों को मैं क्या करता हूं, इसका उत्तर दे रहे हैं, ये असुरों को मैं क्या करता हूं, ये असुरों को मैं क्या करता हूं, इसका उत्तर दिया, तानो अहम दिशतः कुराणो, ये जो क्रूर व्यक्ति है, निर्दय हार्टलेस, ये निर्दय है, तानो अहम दिशतः, जरा विद्वेष करते रहते हैं मेरा मेरा साथ है, मेरा साधुओं के साथ है, तानो अहम दिशतः कुराणो क्रूरानो, क्रूर मतलब हार्टलेस, तानो अहम दिशतः क्रूरानो संसारेषु नराधमानो, ये संसार सागर में ये नराधम, ये जो नराधम है, बदमाश है, अशुर, ये जो मेरा भक्तों के साथ विद्वेष करता है, तानो अहम दिशतः क्रूरानो त्वानो अहम दिशतः क्रूरानो संसारेषु नरोधमानो क्षिपामि अजस्रम अशुभान असुरेषु एव जनेषु। क्षिपामि मतलब मैं खेपन करता हूँ, खेपन करी, खेपन मैंने फेंक देता हूँ, ये फेंक जो है ये ताच्छिल्य, ये फेंक देता हूँ, क्षिपामि भगवान, ये जो क्षिपामि ये अनादरपूर्वक इसको, इसका जो अभिमान है, इसके द्वारा मैं इसके ऊपर असंतुष्ट हूँ, इसलिए क्षिपामि ये शब्द व्यवहार किया। ये असुर भाव वाले जो है, ये लोगों को मैं क्या करता हूँ, द्वजतानोहम दिशतः क्रूरानो संसारेषु नरोधमानो, ये नराधम आदमी नहीं है, पैजामा है आदमी का, माँ भी देखने के लिए हाथ पैर सो, लेकिन आदमी नहीं है, नराधमानो, ये नराधम व्यक्तियों को मैं क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। कहाँ फेंकते हो, फेंकने वाला जो बात है इसमें गुस्सा, भगवान का अपराकृत गुस्सा है, क्षिपामि मैं फेंक देता हूँ, फेंक देता हूँ, चलो क्षिपामि अजस्रम अशुभानो असुरीषु एव जनेषु, और नीचे नीचे जो जोनी है, नीचे नीचे जो जोनी है, ये अजस्रम, अजस्रम मने कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप अनवरत, एक जन्म गया दूसरे जन्म, दूसरे जन्म गया तीसरे जन्म, तीसरे जन्म गया चौथा जन्म, ऐसा करके हर जन्म 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 मैं क्या करता हूँ, मैं असुरीषु जनिषु एव अजस्रम क्षिपामि, इसको असुरी जनु में मैं फेंकते रहता हूँ, नीचा 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 नीचा, एकदम चेतना का रास, चेतना कमती होते होते नीचे 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 जोनी में चले जाते, नीचे नीचे जोनी में भटकते रहते, मैं इसको फेंक देता हूँ नीचा नीचे जोनी में। तानो अहम दिशतः क्रूरानो संसारेषु नराधमानो क्षिपामि अजस्रम अशुभानो असुरीषु एव जनिषु। असुरी जनी अर्थात नीचा 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 जनी पे इसको फेंकते रहता हूँ, जन्म जन्म, इसका कोई रास्ता नहीं, जन्म जन्म घूमे, जन्म जन्म घूमते रहे। एवं विदो ऐसा मापिक जो असुर भाव वाले जो हैं, ऐसा मापिक जो असुर भाव वाले हैं, ऐसा मापिक जो असुर भाव वाले हैं, ये लोगों को, जो लोग भगवत विद्वेषीगण, ये लोगों का कैसा परिणाम क्या है, इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान, कह रहे हैं हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये लोगों का कभी विमोक्षो मिलता नहीं, इसका संसार का सुख दुख से लेना देना है, ये चाहता भी नहीं कि सुख दुख का जो लेना देना इसका बाहर जाए, इसीलिए इसका कैसा गोती होता है
भगवान कह रहे हैं कि इसका कभी भी विमोक्षो मिलता नहीं, मोक्ष नहीं मिलता विशेष रूप से। और हिंसा तृष्णा आदि युक्त आसुरी जोनि थे, ऐसा जोनि में फेंक देता है जिसमें जिसमें कि चाहत है, कि चाहत है थ्रास्टी, भोगने का इच्छा। हिंसा देश आदि युक्त आसुरी जोनि में मैं इसको फेंक देता हूं, जैसे म्लेच्छो वैद जोनि, म्लेच्छो वैद जोनि आदि थोड़ा नीचा नीचा खानदान में। आ सब कुछ का, सब कुछ का फलदाता मैं हूं, सब चीजों का फलदाता मैं हूं। मैं ये लोगों का जो हिंसा कर्म है, ये कर्म का अनुसार अजस्र काउंटलेस अशुभ फल, कर्मों का फल का अनुसार ये जो विद्वेष करते रहते भगवान गुरु वैष्णव से, ये कर्म का अनुरूप अजस्र काउंटलेस अशुभ अशुभ फल लाभ करता है, शुभ फल नहीं मिल, अशुभ फल लाभ करते हैं। और भगवान कह रहे इसका सुख दुख जो है ये भटकते रहते हैं अनंत काल। ये सुख दुख जो दुनियादारी का सुख दुख है, इसी को भोगते रहते हैं, ये भोगते रहे। इसलिए भगवान कह दिया, तानहम दिशतः क्रूरानु संसारेषु नरोधमानो क्षिपामि अजस्रम अशुभानो आसुरीषु एव जनिषु। अजस्र काउंटलेस अनगिनत अशुभ अमंगलमय जोनि में मैं इसको फेंक देता हूँ, ताकि वो अपना सुख दुख लेके भटकते रहे अनंत काल। मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं क्या करूँ। इसीलिए गीता में भगवान कह दिए मेरा क्या लेना देना है, मैं क्या करूं, ये तो मानेगा नहीं मेरा बात। नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति यन्तपः। अज्ञान के द्वारा आवृत है ज्ञान, नादत्त कस्यचित्, इसका पाप, जीवों का जो पाप और पुण्य, ये दोनों का एक भी मैं लेना नहीं चाहता। भगवान ने कह दिया, भगवान ने ऐलान कर दिया गीता में, नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम, मैं किसी जीव का पाप और पुण्य दोनों में एक भी ले, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं उसको पाप पुण्य करने के लिए, वो अपना मनमानी चल रहा है। इसका अंदर में एंजॉयिंग मूड भोग वासना है, इसको चला रहा है, क्या करूं मैं। इसीलिए भगवान कह दिया नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम, भगवान किसी का पाप और पुण्य ग्रहण करते नहीं, विभु वस्तु को भी पाप और पुण्य ग्रहण करते नहीं। अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत है, इसलिए चलते रहते, इसका क्या करूं। और भगवान कह रहे हैं आसुरीम जनिम आपन्या मूढ़ा जन्म जन्मनी माम अप्राप्यैव कुन्तियो ततो यान्ति अधमां गतिम। जब ये लोगों को मैं आसुरी जोनि में फेंक देता हूं, ये आसुरीम जोनिम अपन्या, ये आसुरी जोनि में प्रविष्ट होकर मूढ़ा मूर्ख, सारे मूर्ख है, जन्म 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 क्या करता है, माम अप्राप्यैव, मेरे को मिलता नहीं, मैं मिलता नहीं, मेरा साथ इसका भेंट होता नहीं, मेरे को प्राप्त नहीं करता। माम अप्राप्यैव, मेरे को अप्राप्त करता, अप्राप्त प्राप्त नहीं कर सकता। माम अप्राप्यैव कुन्तियो करके, कुन्तियो ततो यान्ति अधमां गतिम, इसके बाद और नीचे नीचे जुनि में भटकते रहते, और नीचे नीचे जुनि में जाए। आसुरीम जोनिम आपन्या मूरा जन्मनि जन्मनी माम अप्राप्यैव कुन्तियो त
ततो यान्ति अधमाम गतिम। ये आसुरी जोनि को प्राप्त करने के बाद मूढ़ा मूर्ख जन्म जन्म और मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे को मैं मिलता नहीं हूं इन लोगों के लिए। माम अप्राप्यैव कुन्तियो हे कुंती, कुंतियो कुंती मतलब कुंतियो, कुंतियो मतलब अर्जुन को बताया कुंती का लड़का कुंतियो, माम अप्राप्यैव कुन्तियो मेरे को मिले बिना क्या होता है उनका, ये भटकते रहता है, ये भटकते रहता है, मेरे को मिला भी मिले बिना क्या होता है। माम अप्राप्यैव कुन्तियो ततो यान्ति अधमाम गति, ये सब जीवात्मा नीचे नीचे अधोगति लाभ करे और नीचे जाता है और नीचे लोक को प्राप्त करता है, ऊपर नहीं नीचे। माम अप्राप्यैव कुन्तियो ततो यान्ति अधमाम गतिम, ये अधम योनि को प्राप्त करता है और नीचे नीचे कॉन्शियसनेस चेतना को खो बैठता है और चेतना तो खोते 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 अधम गति लाभ करे, अधम गति को प्राप्त करता है। माम अप्राप्यैव, अप्राप्यैव मतलब एवो, माम अप्राप्यैव एवो मतलब एफर्मेटिव मतलब जरूर, क्या होता है जन्म जन्म पर ये आसुरी भाव, आसुरी भाव वाले जो व्यक्ति ये धीरे धीरे नीचे योनि में जाते रहता है। अगर कोई ये प्रश्न करे, अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि सत्य सत्य संकल्प है, अगर कोई ऐसा प्रश्न उठाए महाराज ईश्वर तो सत्य संकल्प है, परम दयालु है, इच्छा करने से तो इसका जो अयोग्यता है, इच्छा करने से भगवान अयोग्य है, अयोग्य को है ना, अयोग्य को योग्यता दे सकता है। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन उठाए, प्रश्न उठाए, ईश्वर तो सत्य संकल्प है, परम दयालु है, जिसका अंदर में गुणावली नहीं है, अयोग्य है, उसको योग्यता संपादन करे करके मुख दे दे, यूं क्यों नहीं हो रहा। ऐसा अगर यदि बोला जाए तो हाँ, ईश्वर का ये क्षमता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स ईश्वर, भगवान अगर संकल्प करे इसको हम बचाएं तो हो जाता, ईश्वर सक्षम हो जाता अगर ईश्वर संकल्प करे। जैसे जैसे महाप्रभु का सामने एक भक्त जो है, क्या नाम है भूल गया, उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु इस जगत जीव का मोचन करो, मंगल करो। तो महाप्रभु जी ने बताया जब ऐसा प्रार्थना करे तो कृष्ण अगर संकल्प करे तो कर सकता, अगर वो संकल्प करके बैठे कि मैं उसको मंगल कर दूं तमाम दुनिया का, हाँ ईश्वर अगर चाहे तो कर सकता, लेकिन संकल्प करने से होता है, लेकिन संकल्प नहीं करते, क्योंकि जीवों का अंदर में सत कर्मों का अभाव, जीवों का अंदर में तमाम जीवों का अंदर में सत कर्मों का जो है अभाव, इसीलिए भगवान भी संकल्प करते नहीं। वासुघोष ने एक दिन का प्रार्थना की महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, प्रभु वासुघोष ने प्रार्थना की प्रभु ये जो अनंत जीव है ये लोगों को मंगल कर दो, ये लोग का जो पाप है मेरा ऊपर दे दो और ये लोगों को मुक्त कर दो प्रभु। तो महाप्रभु जी ने बताए कृष्णो अगर तुम्हारा इच्छा हुई तो हो सकता, तुम भक्त हो वासुघोष,
तमाम जीवों के लिए तुम मंगल, तुम मंगल सोच के रखा, तमाम जीवों के लिए तुम मंगल का रास्ता सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो इसका मंगल सोचो कि हो गया। भक्त संकल्प मतलब भगवान का संकल्प हो जाता। लेकिन यहां अगर ये प्रश्न करे, ईश्वर सत्व संकल्प परम दयालु, इच्छा करने से ही हमारा अंदर में जो योग्यता नहीं है, योग्यता दे सकता है, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन ईश्वर जरूर सक्षम हो सके, लेकिन जीवों का अंदर में सत्कर्मों का बहुत अभाव है, संकल्प इसलिए नहीं करते, भगवान संकल्प नहीं करते इच्छा करके, क्योंकि पाप या पुण्य जो कुछ भी है ये करने के लिए भगवान ने किसी को प्रेरणा नहीं दी। भगवान ने बोले ये जो अच्छा बुरा है, पाप पुण्य है, ये कर्मों बंद कर दो, अब मेरा पास आ जाओ। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सब पाप पुण्य कर्मों को इस्तीफा दे दो, बंद कर दो और मेरा पास आ जाओ, मैं सबको तमाम अमंगल से उद्धार करके रहूं। और जो लोग ऐसा एक विचार है जो ऐसा मापी नास्तिक गण सर्वदा नरक जंतना भोगी है, जो असुर लोग है, नास्तिक है, ये लोग हर वक्त नास्तिक गण सर्वदा नरक जंत्रणा, नरक का जो जंत्रणा है ये भोगी भोग करते रहते हैं। किंतु यहां एक विचार है, जो लोग अभिशाप के कारण, ये सोच लेना, जो व्यक्ति अभिशाप के कारण असुर जनि में जन्मगुण किया, जैसे वित्तासुर है चित्त केतु राजा, तो ये उत्तर दिया जे किंतु जो लोग अभिशाप का हेतु असुर जनि में जन्मगुण कर लिया, एवं जो लोग ये लोग का अनुकरणकारी क्षत्रिय वर्गो जन्मिया था, ऐसा क्या होता है, ये लोग प्रत्यक्ष जैसे है ना, प्रत्यक्ष उपेंद्र जैसे वामन देव, नरसिंह वराहो विष्णु, या एक विषय है ना, शत्रुपक्ष सोचता है कि ये विद्वेष सोचता है, तो जैसे नरसिंह भगवान को हिरण्यकशिपु विद्वेषी ठहरा, तो इसीलिए ये लोग अपना कर्मफल का अनुसार असुर जोनि में प्रविष्ट होके भटकते रहे, और भगवान कहते हैं कि इसका पाप पुण्य ये मैं कभी नहीं, इसको प्रेरणा नहीं दी, तो तू पाप कर पुण्य कर, मैंने बोला सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरा पास आ जाओ, लेकिन ये आ जा, अपना कर्मफल का अनुसार ये भटकते रहते हैं, तो मेरा करने का नहीं है। अवश्यमेव भक्तव्य कित कर्मम शुभाशुभम, जो शुभाशुभ कर्म करते रहते हैं जीव, इनका फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। असुरीम जनिम आपन्या मुरा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्पैव कुंतयो ततो यान्ति अधमाम गतिम। क्या हुआ, असुरीम जनिम आपन्या मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्पैव कुंतयो ततो यान्ति अधमाम गतिम, तो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता,
और बल्कि वो घूमते रहे, अनंत काले घूमते रहे, कष्ट जो भी है मनुष्य जीवन में, जो पाप और पुण्य जो की जो हो, ये जब तक शेष नहीं हो, मनुष्य जन्म में कृत पाप का अपराध, मनुष्य जन्म हो, जैसे कि एक जन्म लिया किसी ने, मनुष्य जन्म लिया, ये मनुष्य जन्म में जितना सारे कृत पाप व अपराध किया हुआ है, ये अगर जीते जी खत्म कर दे तो अच्छा है। आई बात समझ में? मनुष्य जीवन में जो किया हुआ पाप और पुण्य अपराध जो है, वो अगर ये जिंदगी में खत्म कर दे, मिटमाट कर दे तो ठीक है ना। नहीं नहीं तो क्या, तिरजोग जोनी में जाना पड़े, अधम जोनी। मनुष्य जीवन में किया हुआ पाप और अपराध, ये मनुष्य जन्म में ही अगर शेष ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो ये जीवात्मा को तिरजोग जोनी, अधम जोनी हैं, तिरजोग अधम जोनी गमन पूर्वक, हाँ, और तिरजोग जोनी अधम जोनी में अगर भटकते रहे तो इसका समाधान का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि नीचा जोनी में चला जाता, चेतना चेतना ह्रास हो जाता और नीचे नीचे जा रहा है। अधम जोनी में गमन पूर्वक और इसे संशोधन करे, इसका जो रेक्टिफिकेशन करे, शोधन करे, इसका कोई सुयोग नहीं मिलते रहते। कोई अगर कहे भगवान का दया नहीं है, कोई अगर कहे भगवान का दया नहीं है, लेकिन ये समझता नहीं, जीव अपना कर्मफल का अनुसार जो भी जोनी में भटकते रहते हैं, जो भी कष्ट, ये भगवान इसका लिए जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए भगवान जिम्मेदारी नहीं है, जीवात्मा खुद जिम्मेदारी है। वो जो पाप पुण्य जो कुछ भी कहते हैं उसका फल भुगतते रहते हैं, भगवान को पूछ के तो नहीं किए, वो अपना कर्मफल को भुगतते रहते हैं। अगर कोई अगर सोचे कि भगवान का दया नहीं है, ये सरासर गलत है। भगवान मेरे को अपना कर्मफल का अनुसार, अगर भगवान अपना कर्मफल का अनुसार मेरे को अगर कष्ट दिया, कष्ट मिला मेरे को, इसके लिए भगवान जुमा नहीं है। जिस अवस्था में भी मेरा रहने का व्यवस्था हो जाए, ये भगवान का कृपाई है, ये भगवान का दोषी नहीं समझा, उचित नहीं है। भगवान का अंदर में डिस्पैरिटी, भगवान का अंदर में कि पार्शियलिटी, वैषम्य, भगवान का अंदर में कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो इसको धोनी बनाया, इसको लंगड़ा बनाया, भगवान का अंदर में ऐसा कोई वैषम्य नहीं है। भगवान का अंदर में पार्शियलिटी नहीं है, स्वार्थ को, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। किसी को अगर अंधा हुआ, किसी ने जन्म लिया अंधा होकर, किसी ने लंगड़ा होकर, ये भगवान को दोष देने का नहीं है, भगवान दोषी नहीं है, अपना कर्मफल भुगते रहते हैं। तो कोई अगर ऐसा सोचे कि भगवान ने इसको ऐसा जन्म दिया, भगवान का अंदर में करुणा नहीं है, तो सरासर गलत है। क्योंकि वेदांतों में, उपनिषद हर जगह है, प्रमाण है, उपनिषद में भी है, रसो वैश्य, भगवान को रसो वैश्य, भगवान को रसमय माना गया, भगवान को रसमय माना गया, रसो वैश्य, रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवति। अब भगवान अगर रसमय नहीं है, आप समझते हो, तो गलत है। भगवान रसमय है, किसी भी अवस्था में मेरा कर्मफल के अनुसार मैं किसी भी अवस्था में पहुंच जाऊं, ये मेरे लिए, मैं जिम्मेदार हूं, भगवान का कृपा ही है। इसमें रिक्टिप मेरा संशोधन हो सकता, ये शास्त्री के द्वारा मेरा संशोधन हो सकता। और वेदांत सूत्रों में दूसरा
दूसरा खंड है वेदांत सूत्र का, दूसरा खंड एक नंबर अध्याय में 34 नंबर श्लोक है, इसमें लिखा है वैषम्य नैघृण्य न, भगवान का अंदर में घृणा, घृणा मतलब घृणा नहीं, घृणा करना, ये संस्कृत में घृणा का ना स्नेह, स्नेह है इस। तो ये जो वेदांतों का सूत्र है, घृणा मतलब घृणा करना, लेकिन इसका माने है संस्कृत में घृणा का माने है स्नेह, स्नेह। वैषम्य नैर्घिण्य न, भगवान का अंदर में वैषम्य नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है, भगवान का अंदर में कोई पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान का अंदर में कोई वैषम्य नहीं है, विद्वेष नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जे इसको घृणा किया, इसको इस जोनी में भेज दिया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वेदांत सूत्र में एक इसका प्रमाण है वैषम्य, और जो जन समाज का, ये जो जन समाज का, ये जो जन समाज है, हमारा मानव समाज है, ये जन समाज का, ये मानव समाज का जो डिस्पैरिटी है, किसी का अच्छा कंडीशन है, धोनी घर में जन्म किया, किसी ने दरिद्र है, खाना मिलता नहीं, तो इसमें वेदांतों में सत्यों में प्रमाण है वैषम्य, ये जो डिस्पैरिटी दिखाई पड़ता है, ये भगवान का विद्वेष का कारण नहीं है, भगवान का अंदर में किसी के लिए विद्वेष नहीं है। वैषम्य नैर्घिण्य न, भगवान का अंदर में कोई वैषम्य डिस्पैरिटी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, फॉलो पार्शियलिटी, ये मेरा पार्टी है वो दूसरा पार्टी, ऐसा नहीं है। भगवान ने ये बात गीता में भी स्वीकार किया बार बार, समदृष्टि है भगवान का, जीव सब अपना कर्मफल के अनुसार धीरे धीरे कर्मफल को भोगते रहते हैं। जीव गोस्वामी पाद जी कृष्ण संदर्भ में लिखा हुआ है, जब विष्णु पुराण पुराण में जो मैत्रेय ऋषि कार्तिक हिरण्यकशिपु आदि का गति विषय, क्या गति है ये जो जिज्ञासित तो हुआ, किसी ने प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि के, इसका गति क्या हुआ, विष्णु पुराण में वर्णन है जे मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय ऋषि कार्तिक हैं, मैत्रेय ऋषि कार्तिक, मैत्रेय ऋषि के द्वारा कार्तिक हिरण्यकशिपु आदि गोति विषय जिज्ञासित होइया, पराशर ऋषि जो कि मैत्रेय ऋषि का गुरु है उत्तर दे रहा है, पराशर सुकृष्ण का अत्याद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन प्रसंग में, जो कृष्ण को मिला नहीं, जिस समय वर्णन प्रसंग है पराशर ऋषि ने बता दिया मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय हो, ये वर्णन प्रसंग में मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय ऋषि प्रश्न किया पराशर ऋषि को, पराशर ऋषि हिरण्यकशिपु गोति का बारे में बता दिया कि जब तक इस कृष्ण को ना प्राप्त हो जाए, कृष्ण को जब तक प्राप्त ना आए, ये असुर गणों का वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्रम मार्ग में जाएगा, पहले हिरण्यकशिपु का हाथ में उद्धार हुआ, उसका बाद फिर जन्म हुआ, फिर आगे चलकर राम जन्म में वहां भी गलतफहमी हुआ रावण का, फिर आगे चलकर कृष्ण जन्म में उसका उद्धार। तो पराशर ऋषि कह रहे हैं, पराशर ऋषि कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य कथा वर्णन कर सके, कृष्ण को जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक असुर गणों का मुक्ति का वास्तव संभावना नहीं है। भगवत स्वरूप का पति विद्वेष के कारण कभी कभी है ना, दूसरा किस्म का वर्णन भी है जो भी है छोरो, तो ममा प्र विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं
माम अप्राप्तोइवो हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे कि हमको प्राप्त किए बिना, माम अप्राप्तोइवो, हमको प्राप्त किए बिना ये लोग खाली नीचे नीचे जोनी में भटकते रहता है। जैसे वैवत्सर मन्नंतारी, वैवत्सर मन्नंतर में अष्टाविंश चतुर्युग ये दापर का अंत में कृष्ण रूपी हमको, कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण रूपी हमको प्राप्त करके मत विद्वेषी कंस आदि मुक्ति लाभ की। विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं भक्ति मिश्रो ज्ञान का, विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं भक्ति मिश्रो ज्ञान का परिपाक अवस्था में, परिपाक परिकाप भक्ति मिश्रो, विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं भक्ति मिश्रो ज्ञान का परिपाक अवस्था में जो मुक्ति लाभ है, अपर अपार करुणा सिंधु, भगवान कह रहे हैं कि मैं तादृशो पापी क्यों दुर्लभ मुक्ति प्रदान करता हूँ। इस प्रसंग में स्तुति, ये जो वेद स्तुति है इसी में भी इसका वर्णन है थोड़ा। तो जो भी है इधर देखो, इधर वर्णन है तो असुरी जनिम आपन्या मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्तैव कंतियो ततो यान्ति अधमाम गतिम, हो गया। 21 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं तो अर्जुन त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम, नरक में जाने का तीन गेट है। भगवान कह रहे हैं त्रिविधम, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अपने आत्मा को नाश करने वाला, आत्मा को गिराने वाला, नरक में जाने के लिए तीन गेट है। त्रिविधम त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। क्या बताया? त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मनाशकारी, आत्मनाशकारी नरक में पहुंचने वाले तीन गेट है। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम, क्या लिखा? त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। काम, कामना वासना, क्रोध, क्रोध, लोभ, ये जो है तीन गेट है आत्मा को नाश करने वाले। अगर विषय में आकर्षण होते रहता है, लव लालसा है, कामना वासना है, तो कहां जाके पहुंचेगा जीवात्मा, कहां जाएगा? धैतो विषयान पुंक्षाम संगस्तेषु उपजायते, धैतो विषयान पुंक्षाम संगस्तेषु उपजायते, संजात संजायते कामः, कामात् क्रोधो उपजायते, क्रोधात् भवति सन्मोहो, सन्मोहात् क्षिति विभ्रम, क्षिति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यामि। आत्मनाश प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल। इसीलिए बताए त्रिविधम नरकश्येदम दारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। भगवान कह रहे अर्जुन को, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन किस्म का दार है, आत्मनाशकारी, नरक में पहुंचाने वाले तीन गेट है। हे अर्जुन, इसको त्याग करो, हर हालत में इसको हटाओ। भक्तिवंत ठाकुर कह रहे आत्मनाशकारी नरक का द्वार तीन किस्म का, एक काम है, क्रोध है, अलोभ। हमने बताया ये श्लोक, धैतो विषय न पुंसा, किसी विषय का ध्यान हुआ
मैंने एक आकर्षण का वस्तु अ व्यक्ति किसी लड़की को देखे तो आकर्षण हुआ, आकर्षण भी क्या हुआ, ध्यातो विषयान अपुंसक संगस्तेषु, जब भी किसी वस्तु का लगन लग गया तो उसका मेंटल एसोसिएशन मानसिक रूप से उसका एसोसिएशन संग हो रहा है, संग मतलब प्रीति विनिमय, आहा ये चीज को प्राप्ति होने से अच्छा होता ऐसा तो है प्रीति विनिमय, संग मतलब प्रीति विनिमय। ध्यातो विषयान अपुंसक जीवात्मा का जब जड़ मन के द्वारा किसी विषय को और खींचता है तो ध्यातो मैंने ध्यान कर दे, उसका ध्यान जम गया, अरे इसको प्राप्ति होने से अच्छा होता, या तो डर के मारे ध्यान लग गया जैसे कंस को हुआ था। तो ध्यातो विषयान अपुंसक संगस्ते सुपजात संजात संजात काम कामात क्रोधो अभिजात, क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्थिति विभ्रम स्थिति विभ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात पुनः, धीरे धीरे इसका पतन का रास्ता। तो ऐसा करके पूर्वोक्त तो आसुरी संपद समूह आत्मविनाशी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरिक संपद अदैव गुण गुणावली अदैव गुणावली आसुरी संपद समूह ये जो आत्मविनाशकारी आत्मविनाशी और नरक के द्वार स्वरूप इसका तीन गेट दिखाया, इसका मूल है तो बहुत रास्ता है लेकिन मूल है काम क्रोध लोभ, ये तीन मूल। मंगलकामी व्यक्ति हर हालत में इसको त्याग देना, कर्मी ज्ञानी योगी बहु प्रचेष्टा करने का बावजूद ये इससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्मी है, कर्मी का मतलब कोई किसी मकसद लेके कर्म कर रहा है, ज्ञानी है इसका भी कोई यूनो रहता है, कर्मी ज्ञानी योगी बहु प्रचेष्टा करने का बावजूद ये दमन करने में समर्थ नहीं होते, बहुत चेष्टा, ज्ञानी अपने को ऊपर ले जाने के लिए ऊपर चले, मैं ये तद वस्तु हूँ, मैं अतत वस्तु, ये अतत है अतत है, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, ये ऐसा करते करते छानबीन करते करते भगवान को ही छोड़ के रख दिया, अतत निरसन, ये अतत निरसन करते करते अंतिम में भगवान को ही बात दे दिया, आई बात समझ में। लेकिन जो ज्ञान भक्ति का अनुकूल है ये तो पक्का है, इसका लिए कोई दोष नहीं, इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम रूप गोस्वामी के पास जी ने बताया है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम मतलब ये जो मायावादी ज्ञान जड़ ज्ञान ये छोड़कर अनावृतम भक्ति अनुकूल ज्ञान का निषेध नहीं है, ये अप्रूव है। कर्मादि जो जड़ जगत का कर्म भक्ति के साथ कोई ताल्लुकात नहीं उसको छोड़ना पड़े। सो कर्मी ज्ञानी ओजवा जोगी बहुत चेष्टा करने का बाद बहुत इंद्रिय संयम आदि बहुत चेष्टा का बाद भी फेल्योर हो जाता, वेरस सदगुरु का चरण में भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण लेकर जो भक्ति करते हैं भक्ति रास्ते में भक्ति मार्ग में इतना कठिन नहीं है, बड़ा इजी। इसलिए बताया जिस कर्मी ज्ञानी और योगी बहुत प्रचेष्टा करने का बावजूद कभी कभी फेलियर भी हो जाता, समर्थ नहीं होता दमन करने में, वो भी तात्कालिक दमन हुआ, परमानेंट दमन नहीं हुआ, तात्कालिक दमन कर लिया ये जोग करके ज्ञान करके, फिर बाद में अचानक कहां से ये आया काम चला आया, बहुत सारे उदाहरण है भागवत में। लेकिन शुद्ध भक्तगण क्या होता है, सिर्फ इतना ही है साधु संग, काल इसका बारे में चर्चा करें, भगवान बोला देखो ये लोग कुछ नहीं जानता, ये तो ना गुरुकुल में गया ना कुछ किया, कुछ नहीं किया कि मेरा भक्तों का संगों के द्वारा इसको सिद्धि मिल गया,
काल इस विषय में चर्चा हो। शुद्ध भक्तों साधु संघों का प्रभाव के द्वारा अनायास सब कोई को हरि सेवा में नियुक्त करके, अपने को भी नियुक्त करके, और तमाम जो कामना वासना है लोभ है नो सरोरिपु जो है सरोरिपु काम क्रोध लोभो मोह मदो माश्चर्य सबको एकदम पराजित करके बस में लाके भगवान का सेवा में नित्य काल का भगवान का सेवा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शुद्ध भक्तों साधु संघों का प्रभाव के द्वारा अनायास ये सारे जो असंभव है, जो कर्मी ज्ञानी योगी के लिए जो असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये भक्तों शुद्ध भक्तों अनायास ये सब जो हरि का सेवा में नियोजित करके, हरि का सेवा में शुद्ध भक्तों साधु संघ प्रभाव के द्वारा ये सब जो बाधाएं हैं, प्रॉब्लम विपत्ति इसको सारे समाधान करके भगवत सेवा में हरि सेवा में नियुक्त करके सारे सरोरिपु जय कर लेते हैं, सरोरिपु जय कर लेते हैं अनायास, जबकि दूसरे के लिए संभव नहीं है। नरोत्तम ठाकुर जी कीर्तन कर दिया, कामो क्रोधो लोभो मोहो मदो माश्चर्य दम्भो सहो स्थाने स्थाने नियुक्त करिबो आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भजिब काम कहाँ लगाया काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त विदेशी जने लोभ साधु संगे हरिकथा मोह इष्टो लाभ विने मद कृष्ण गुणाक्षाने नियुक्त करी वो जथा तथा। माश्चर्य का कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये सारे जय होने के बाद माश्चर्य ऑटोमेटिक वैनिश हो जाता है। माश्चर्य ऐसा है ये तमाम चीजों का मूल है, इसीलिए भगवान ने बताया देखो त्रिविदम नरकशेदम त्रिविदम नरकशेदम दारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादि तत्रयम् त्यजेत। ये तीनों को त्याग करना ही है, हर हालत में इसको त्याग करना ही है, उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता खुला नहीं है। नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन में सुंदर बताया जे काम को कृष्ण कर्मार्पण लगा दूंगा, कृष्ण कर्मार्पण मेरा कोई काम नहीं है, कृष्णों में सारे कर्मों का अर्पण कर दे, काम कृष्ण कर्मार्पण है, क्रोध हुआ तो भक्त विद्वेश, किसी ने भक्तों को विद्वेश किया, भक्त विद्वेश किया उसका ऊपर क्रोध दिखाना, इसमें तुम्हारा क्रोध का राइट एप्लीकेशन। तो काम कृष्ण कर्मार्पण है क्रोध भक्त विद्वेशी जाने लोभ हुआ साधु संग हरिकथा, हरि साधु संग हरिकथा श्रवण में लोभ हो जाए तो वही लोभ अच्छा है, और मोह इष्टलाभ बिने हमारा कृष्ण मिला नहीं भगवान मिला नहीं ये मोह आ गया, हाय 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 क्या हो सकता। मद 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 माने मत्तता इंटॉक्सिकेशन कृष्ण गुणाखने कृष्ण का गुण कृष्ण लीला मीठा सुनते सुनते मशगूल हो गया, नशा चढ़ गया, ये मद कृष्ण गुणाख्या ने नियुक्त करी वो यथातथा ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट जहां था नियुक्त करके हम ये दोषों को गुण में बदल देंगे, ये सब दोषों को मैं गुण में बदल देंगे। अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जाय जारधाम भक्ति पदे सदा दय भंगो, अदरवाइज इफ यू कैन नॉट अप्लाई काम क्रोध लोभ मोह मदो ये सब अगर राइट एप्लीकेशन अब नहीं कर पाओ तो आपका पारमार्थिक मृत्यु है, मौत है, ये आपको नीचे 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 पततीर अधर नीचे नीचे ले जाएगा, पतन करा देगा। लेकिन ये क्षय रूपु जय करने में जैसे हमने बताया नरोत्तम ठाकुर जी ने, ऐसा अगर भगवान का सेवा में लगा दो तो धीरे धीरे सरोरिपु सरोरिपु जय होके आपको आपको भगवत चरण में पहुंचा देगा। हर वक्त भगवान का चिंतन साधु संग में हरि कथा
काल इस विषय में चर्चा हो पाएगा कैसे साधु संघ में सब कुछ हो सकता है। एयो त्रिविदम नरकशेदम दारम नशनम आत्मनः कामः क्रोधः स्तदा लोभः तस्मादि तत्त्वयम् त्यजेत। ये त्याग करने का पद्धति बताएं और काल हम प्रमाण करेंगे केवल साधु संघ के द्वारा कितना अनोखा विचार है। केवल साधु संघ के द्वारा सब संभव है। तेन आदित सुतिगना नापसित महात्मा है। ये लोग कोई महाभक्ति का पास गया भी नहीं, गुरुकुल के इधर नहीं, वेद भी पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस केवल साधु संघ के द्वारा सत्संगात माम उपागता, सत्संगात सत्संग के द्वारा मेरा चरण में पहुंच गया, ऐसा संभव है। काल इस विषय पर और चर्चा करेंगे, भगवान का इच्छा हुआ तो, आप लोग आशीर्वाद हुआ तो यहां तक चर्चा को सीमित रखे उपाय नहीं। तो अंतिम में ये श्लोक चर्चा करना जरूरी है, काल इसका विषय में चर्चा होगा। जे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम। आई बात समझ में? क्या बताए? भले सर्वोपाधि विनिर्मुक्त हो, इसका काल व्याख्या हो पाएगा। दैव दैव संपद दैव गुणावल दैव संपद है और असुरिक संपद, असुरिक संपद इसके साथ फिर प्रभेद क्या है और कब हम भगवान सेवा में लगन लगा के अपना जीवन को सार्थक बना सके, इसका बारे में चर्चा होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, इसका बारे में काल चर्चा हो पाए। आज यहां तक अपना चर्चा को सीमित रखते हुए भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम जया सनमहित जीवो आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो योपि मनोते अनर्थम तत्कृतं चाभि पद्धते वांछकल्प दुर्वश्य के पास पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।